ला 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 डरिया झुपते आवे वो रीलो नाचते आवे ना। डरिया झुपते आवे वो रीलो नाचते आवे ना। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आप जाना था लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मू प्रकार के कलाकार मतलब लेके आवा थे, तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। अब आज हमारे बीच में बैठे है हमारे छत्तीसगढ़ के फेमस गायक संगवारी हो। मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ, इकरमन का एक गीत आ रही जस गीत जो काफी हिट हुई से, सुपर डुपर हिट हुई से, वो आज भी लोगन मन के जुबान में बसे हुए है। जिसे गीत के मैं बात करूँ तो ला 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 डरिया झुपत आवे वो जस गीत रही से बहुत चली से एक दौर ही से, और आज भी जिसे हमन बात कर वो नवरात्रि में, छठी में, रामायण में, अलग अलग सब मंच मन में हमन ला कार्यक्रम मन में सुने भर में थे वो गीत ला। तो वो गीत के गायक हिमेंद्र सेन जी हमारे बीच में बैठे है। आज गोड बात करबो उखर संग और जानबो उखर कला जीवन के शुरुआत कैसे हुई से, कहाँ रहना होते, का काम बूता करते, तो सब चीज ला जाने पर मिली। संगवारी आप मन बने रहो हमारे इंटरव्यू में। तो आप ज्यादा देर न करते हुए सीधा हमारा गोट बात करते हैं हिमेंद्र सेन भैया से। भैया सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। स्वागत भैया, धन्यवाद भैया। सबले पहले अपन ये बताओ आप मन है, आप मन के जन्म कब हुई से और कहाँ के हरे आप मन के जन्म? मोर जन्म 14/7/1980 मोर गाँव हरे परेवाड़ी जिला धमतरी, धमतरी से 10 किलोमीटर देमार के पास है। अच्छा, शिक्षक बात करबो कहाँ तक हो है पढ़ाई लिखाई? मोर शिक्षा जीवन हाँ 5वीं तक तो मोर गांव में 5वीं तक स्कूल इसो समय, और फिर 6वीं 7वीं 8वीं में और समरपुर स्कूल पोस्ट ऑफिस पोस्ट है वहाँ करे हैं जी। कला संगीत के क्षेत्र में कैसे कदम रखे हो आप मन? हाँ बचपना से मोर पिताजी है तबला वादक है, वो भी जात रही से मन नाचा से जुड़े हुए है। पहली के बहुत अशोका नाच पार्टी है, एक बिहार से आती दरभंगा बिहार के जो जो टिकट माँ सब देखे बर जाए उमा भी तबला बजा है, और अपन छेड़िया बगदई वाले नाचा पार्टी में तो पिताजी सुन सुन के, हमारे घर का घर के बगल में एक नारायण विश्वकर्मा जी है जी हमारे बाबू जी सिखो है, शुरुआत से उकरे घर में जा जा के सब देखन सुनन सब कलाकार मनाए, तो ये सब सुन सुन के रुझान। अच्छा, तो शुरुआत में कहाँ सीखे हो, पहली गाय बर की या बजाय बर? सबसे पहली बात तो पहली ऊपर घर में जाग बैठ के सुनो, फिर देखे हमारे गांव में बिहाव बजा तो मैं सबसे पहली निशान बजा हूँ। फिर धीरे धीरे गांव में नाट्य कला अपन मंडली है, जब नाटक माँ लड़की का पार्ट जो भी पार्ट मिले ओला करो, फिर धीरे धीरे गाँव की मानस मंडली है वो माँ बेंजो बहुत दिले बेंजो बजा, फिर हारमोनियम, तब एक दिन एक ठीक गाना गा धरले रापा गा कुदारी गा किसान ऐसे गीत रही तेला में रामायण के तर्जमा जोड़ के गाँव, तो मैं हमारे गांव के एक दिन सियान है बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा सुघर गीत गाय बेटा करके 10 रुपये हो दिन और पहली मिली से मोहल खुशी लागी से, तान धीरे धीरे करके मोहू रामायण में जाके गाना वाना चालू करें। फिर मोर पहले तो हमारे गांव में गवई, फिर सैलून दुकान में हमारे समलपुर में रही, फिर धमतरी के मामा के सैलून में कम से कम 7-8 साल तक रहे हूँ, फिर वहाँ एक शांति लोक कला मंच अमापारा में वहीं से मामा की दुकान है वहीं गया, वहाँ भी बेंजो बजाते रहे उनका कला मंच में, तो धीरे से वहाँ गाना गाया तो मोर गाना मतलब बहुत पसंद करी, तो वहीं से फिर बहुत तकन जगह में अगेन गाना मतलब पसंद करी, तो मैं सोची कि कैसेट निकालवो, उस समय आइडियो कैसेट के जमाना रही से, तो सबसे पहली कैसेट वहीं से मोर गीत निकली जय बिलई माता दाई करके, उमें गीत भी सब हिट हुई से और एक वहीं सब एल्बम निकली से आइडियोज कैसेट बीरबीट काली, वो कैसेट में अच्छा अच्छा गीत रही से, वो भी मोल अच्छा से पब्लिक मन के
जनता मन मैं दुलार मिली। शुरुआत में जैसे हम बात करबो, जब आप मन के गाना हिट नहीं हो रही से, जब लाला ला वाला गाना है, तो ओ दौर में जब आप मन हाँ जाओ स्टूडियो में कंपनी वाला पास, तो कतेक संघर्ष करेल पड़ी, कतेक कठिनाई का सामना करेल पड़ी, ओला थोड़ा बताओ अपना अनुभव। पहली तो हमारे जो शांति लोक कला मंच सोमा सब पैसा मिला के एक कैसेट निकाले रायपुर में जाकर स्टूडियो, और पहली इतना रिहर्सल पहली बार हरे, तो कैसे गाना गा सकबो, धुनी गा सकबो, हमारे तबला वाला मन हम बजा सकबो, दिन भर डर, तो सब पूरा तैयारी करके अपन बहुत दिल मेहनत करें, लगभग 3-4 महीना। और हमारे दोस्त हबे मुकेश पटेल वो गीत लिखे, सब पहले धुन बना अच्छा तैयार करें, फिर स्टूडियो में गेन, फिर गाना ला निकली, गाना जब वाइस हाथ में, तो कैसेट कंपनी वगैरह में बहुत सारा कंपनी से सुंदरानी वीडियो है मन में गेन सुनाएं, हमारे कैसेट निकाल दूंगा, तो मन लेबर इनकार कर दे रही से कैसे सब कैसेट नहीं निकाल करके, फिर का किया जाए सब सोच में हो गए। फिर हमारे कला मंच में सब संगवारी मन फिर मिलते होकर ऑडियो कैसेट हम ही मन निकालें, फिर कैसेट ला, फिर जगह जगह जाके सब 25-30 जन के सब ग्रुप रही, जगह जगह जाके कोई जगह 5 कैसेट, कोई जगह 10 कैसेट, ऐसे जा जब छोड़े लागे, फिर ओकर पैसा करे पर, फिर ऐसे से करके बहुत तो तकलीफ का सामना करे पड़ी से। और ओकर बाद जैसे बात करबो लाला ला वाला गाना जब आपन गाया हो, तो कौन से सन में रिलीज हो रही से, ओकर थोड़ा जैसे बात करबो कैसे टाइप के तैयारी रही सो गीत के, ओला बताओ आपन। ये गीत है पहली लोक कला मंच में जाओ हम तो बस्तर तरफ गिरे हूँ, वो तरफ एक डाली नाम के हमारे साथ गायिका आत रही से, ओकरो कार्यक्रम ढंग चलते, तो वहाँ आ गए हूँ, तो ये गीत लगी वह, तो मैं पूछे ये गीत का करे, तो भैया ये मौलिक गीत है हमारे बस्तर के ऐसे के, तो मुला मिल जाए का, हाँ भैया मिल जाए मौलिक गीत है, माता गीत है शहर के, तो वहाँ से लेके फिर सब संगवारी मला सुना, गीत अच्छा है यार, मुला भी पसंद है, तो फिर ये कैसेट है 2010 में हमारे दिमाग के हमारे संगवारी मन है सब मिलजुल के निकाले। उम्मीद रही भैया कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो ही। अब माता के भजन रही से और सब जे मन सुने कि अच्छा अच्छे ऐसी की के, तो उम्मीद तो रही से कि गाना अच्छा फेमस हो ही गई। लगातार आज भी हमन देखते हैं ककरो घर छठी हुआ थे या फिर जैसे कुछ कार्यक्रम हुआ थे नवरात्रि में, लगातार हमन ला डीजे मन में सुने बर मिलते, कैसे लगते जब ये सब ला अपन हाँ कहीं जाता हो सुनते हो अपन गीत ला कोई भी जगह में, का कुछ अनुभव होते? कन्हो जगह चलत रहते तो अंदर से बहुत खुशी लगते, ये सुनते नहीं जहाँ पर रास्ता में चलत रहते कोई जगह चलते थे हाँ, तो बहुत खुशी होते कि अपन हाँ अच्छा चलत करके, और बाकी जहाँ जाता हूँ वहाँ माया दुलार मिलते कि हाँ ये है ये गाना लगा है ऐसे, सब जहाँ कार्यक्रम में जाता हूँ वहाँ सबके माया दुलार मिलते। हमारे दर्शक संगवारी मन घलोक चाहत हो ये थोड़ा सुन लेते नहीं से करके, तो हमारे दर्शक मन घलोक सुना हो भैया गीत ला थोड़ा सा। La 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 माता जी मला थे जिसे झुकते अपन माता जिकर ऊपर विराजमान होते, तो जे झुकते हमन कई बार गौरी गौरंग भरो देखथन कई झन मन दावना लेके झुकते, यानी कि एक माता आते ना वही छे डरैया। एक गाना तो सुपर डुपर आप मन के हिट है, एक अलावा भी आपन बहुत अकन गीत गा हो, तो लगभग जैसे बात करबो सबो प्रकार मिला के कत अकन गीत गा हो आप मन हा? मोर गीत अभी तक हो गए जय साई राम, चमके जो जमारा, और बीरबीट काली, ऐसे कुल मिला के मोर लगभग लगभग 40-45 गीत हो गए, हिंदी भजन, छत्तीसगढ़ी गीत, जस गीत, होली गीत, ये सब करके। अच्छा, आप मन हा बस जैसे बात करबो संगीत के कला संगीत के क्षेत्र में, आप मन कोई अलग से क्लास अटेंड करे हो, कोई शिक्षा ग्रहण करे हो? हाँ, शुरुआत में हमारे धमतरी माँ वीरेंद्र, हमारे वीरेंद्र सर जी है,
ओकर पास लगभग लगभग 3-4 महीना तक गया। और एक जन हमारे गुरु जी है जो है श्री बसंत त्रिवेदी जी, वो गुजराती में डांडिया वगैरह गाते और साथ में तबला वादक भी है। ओकर से भी मोल बहुत है कि गीत ला कैसे गाना है, कौन से गीत है, कौन से भाव है, वो बहुत सारे चीज सर मन जिससे सीखेल मिली। अभी आपन वर्तमान में कौन से लोक कला मंच से जुड़े हुए हो और कौन कौन से जैसे कार्यक्रम में आप मन जाता हो, जैसे रामायण या लोक कला मंच, कौन कौन से में आप मन के ज्यादातर जाना होते? मोर तो खुद कैसे जगराता कार्यक्रम है, भजन संध्या है, साथ साथ लोक कला मंच भी, जैसे अपन हमारे जनता मन मांग करते वही हिसाब से, तो डड़िया झुपता भी जगराता, साथ साथ लोक कला मंच, भजन संध्या, ये सब मोरे। हाँ, और आदि मन के बुलावा होते, दूसरा मन से भी बुलावा होते कि भैया आप लोग हमारे साथ चलना है, तो उकरो मन साथ भी चल देता हूँ मैं जी। परिवार के जैसे बात करबो भैया, परिवार में अपन कौन कौन रहते हो, के झन बाल बच्चे है अपन के भाई बहनी होते हो? हाँ, मोर यहाँ भी दादी है, माता पिता है, चाची चाचा मन है, मोर हमन दो भाई दो बहन होथन और मोर 3 लड़का है। 3 लड़का है। हाँ, लड़की नहीं है? लड़की नहीं जी। और जैसे अभी वर्तमान में आप मन हाँ कलाकारी के अलावा वो का काम बूता करता हो? बस कलाकारी ही में, ही कलाकारी कलाकारी में का भागवत में भी चल देता हूँ, जगह जगह भागवत के भागवत में है, बस यही बस काम है, भागवत है, लोकल में कुछ ना कुछ कार्यक्रम आते चलते हैं। जब आपन के गीत ला 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 रिलीज नहीं हो रही से और रिलीज हुई से और सुपर डुपर हिट हुई से, ओखर पहली के जीवन और ओखर बाद के जीवन कतेक बदलाव देखते हो आपन, का कुछ है ओला बताओ? पहले बहुत ज्यादा यानी कि अपन आप स्ट्रगल बहुत करें, अब कार्यक्रम भर भी कार्यक्रम लगाऊ का पूछे भर जाए लगे भाई हमरो मन के कला मंच ऐसे कुछ है, अब ये परेशानी जब एक कैसेट हिट हुई, अब कोई परेशानी एक बात सबको सब आते अपन पास में आते। अब पहले जाया वाला लगे खुद की हम भैया हमारा कार्यक्रम है ऐसा कला मंच ऐसा जगराता है, तो पहले अपन खुद जान, अब हमारे पब्लिक हमारे जनता मन अब आते। कहाँ कहाँ आप मन के ज्यादातर प्रोग्राम हो है, जिसे बात कर वो छत्तीसगढ़ के बाहर में और छत्तीसगढ़ में अधिकतर कहाँ आप मन देते हो कार्यक्रम? अपन प्राय प्राय दुर्ग भिलाई अपन बस्तर क्षेत्र है, प्राय प्राय जम्मू जगह अपन हो गए, यहाँ वो छत्तीसगढ़ के बाद बाहर बात करबो तो झारखंड है, महाराष्ट्र है, अकोली है और कलकत्ता नैहाटी ये ढंग सब हो गए जी। अभी के जैसे हम बात करबो अभी गीत संगीत मन ला जैसे आप मन सुनत हो आपो मन गात हो और नवा नवा भी आप मन के और भी छत्तीसगढ़ी गीत फाग गीत भी आए हैं, शब्द के जैसे बात करबो कोई जैसे आप मन ला गीत लिख के देते कोई रचनाकार है तो कैसे आप मन चयन करते हो कि हाँ ये मैं गीत लगा हूँ ऐसे करके कि जब भी मिल जाते वो लगाता हो, पहली एला बताओ आप। पहली तो गीत के शब्द पर ही देखे लागते कि कैसे गीत कैसे हावे, ओकर भाव कुछ झलकना चाहिए, गीत के भाव निकलना चाहिए, हाँ ये गीत अच्छा लगा थे ताकि कुछ संदेश भी दे सके या माता जैसे गीत हावे तो माता ऊपर पूरा समर्पित है कि नहीं, ये गीत के भाव भाव देख के। अच्छा, अब आप मन जैसे बात कर वो रचना घलो स्वयं करता हो कि संगवारी मन करते? एक दो गीत बस करे हो, फिर कन्हो गीत में ऐसे लगते कि कोई देते तो कि एक थोड़ा सा गड़बड़ होते तो फिर सजा के पूछ के भैया कर इसे से कर सब करे लागी तब तो फिर गीत लगा। तो जैसे बात कर वो लगातार आप मन ला जो है देखते दर्शक मन आप मन के गाना ला सुनते तो जायक बेरा हुआ थे का कुछ आप मन हाँ संदेश देना चाहो और हमारे चैनल के देखिए संगवारी मल्ला आप मन के गीत के सुनिए देखिए चाहने वाला मल्ला। मैं तो सबसे सबके धन्यवाद करूं कि मोला डड़िया झुपत आबे और मोर जितना भी कैसेट निकले है मोर गाना ला जम्मू झन अपन आशीर्वाद प्रदान करी से एक लिए मैं जम्मू झन ला धन्यवाद हावे और मोर इसने कैसेट औ वही तेला इसने माया और दुलार प्रदान करत रही और मैं हाँ का कह सकता हूँ, बस एक है कि प्रयास करत रहो यानी कि कर्म करत रहो फल तो भगवान हावे। अच्छा भैया आप मन के अभी नवा नवा सब गीत अभी आने वाला है आप मन जिक्र करत रहे हो और दर्शक मन कहे हो आशीर्वाद माया दुलार बनाए रखो करके, तो अभी का कैसे टाइप का गीत आने वाला है और कौन से चैनल में आई? अभी
होले गीत है, जस गीत है। अब जो जो गीत आते गीत मन ला जो लेख आते वो हिसाब से, और जो भी गीत आते अभी का है मोर बड़े लड़का भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम में अनु शर्मा जी के साथ में जाते बांसुरी में, बांसुरी अच्छे अभिवादन करे थे शिवम सेन नाम है ओकर। और एक मंझला लड़का भी हवे जय कुमार सेन, वो भी अपन चिटौत कर सोना बादर में है, वो भी गायन में प्रयास करे थे। और मोर अभी जितना अभी गीत आते तो मोर शिवम सेन बड़े लड़का के जो चैनल है वही में सबला आज जाते हैं। जी जी हाँ, तो आप मन कहीं ना कहीं आप मन के जो असर है लोग लेकर मन में घलो आप देखे पर मिले। हाँ उसने कहते ना बांस के भी रहा बांसे जागते से के। अब का है सबके माया दुलार सबके आशीर्वाद हवे ही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपन गोट बात करे और समय दे देखा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संगवारी हो ये दिन हमारे बीच में ला 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 डरिया झूपत आवे जैसे फेमस गीत के फेमस जस गीत के गायक हिमेंद्र सेन जी जिखर से हमारा गोट बात करें ना जाने निखर बारे में। तो हमारे इंटरव्यू हमारे गोट बात आप लोग कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सोई तो ये वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करो लाइक करो कमेंट करो अपन माया दुलार बनाए रखो। मिलता नव नवा कलाकार के संग में देखा रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहर जय छत्तीस।